अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मोहसिन आपका होस्ट, आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। इस वक्त मैं इस्लामाबाद मार्केट में हूँ। यहाँ पे इतवार को गाड़ियों का एक संडे बाज़ार लगता है, तो मैंने कहा चलें आपसे एक वीडियो शेयर करता हूँ गाड़ियों की प्राइसेस, मार्केट और बारगेनिंग कैसे करते हैं और आज प्राइसेस किस लेवल पे हैं, खासतौर पर डॉलर के अप्रिसिएशन और सर्दियों में चूँकि गाड़ियों की डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है, इसके लिहाज से मैंने जो एक वीडियो बनानी थी और आपके साथ में शेयर करूँ। ये सारी गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं इसमें ऑलमोस्ट जो हैं वो 60% फॉर सेल है, बल्कि शायद आप ये कह लें 80% सेल है, बाकी आपको पता है रोड ट्रैफिक की भी गाड़ियाँ और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि ऑलमोस्ट ड्राइव करती रहती हैं और इसका मकसद ये होता है कि कोई अच्छी ऑफर मिल जाए। ये मार्गल्ला गाड़ी फॉर सेल। अच्छा, सिमिलरली ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे आपको शोरूम्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर शोरूम से समनाबाद ये कार मार्केट है, यहाँ पे गाड़ियों को एक संडे बाज़ार लगता है इतवार को। तो हम अब ग्रेजुअली जाएंगे मुख्तलिफ लोगों के साथ और वहाँ पे जो है उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गाड़ियों की प्राइसेस के हवाले से। ये कोरोला XLi जा रही है फॉर सेल। ठीक है, सिमिलरली ये मेरे पीछे ये अभी VXR फॉर सेल। ये सारी गाड़ियाँ फॉर सेल है। ये जो है ना फ्रॉम वन एंड टू द अदर ये ट्रैवल करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम भजन, गाड़ी फॉर सेल है, कौन सा मॉडल है? 10 मॉडल है। 10 मॉडल है। क्या क्या डिमांड कर रहे हैं? 585। अच्छा, कंडीशन क्या है गाड़ी की? साइडों में टचिंग है, साइड छत और पिलर जेनवन है, अंदर से तो सारी जेनवन होगी ना, बाहर से छत और पिलर सेवन। और 585, तो कितने तक देने का इरादा है आपका? मूड कितने? 5.5 तक। ठीक है, तो ऑफर्स वगैरह आ रही हैं आपको? 5.20 हाईएस्ट ऑफर आई है आपको, और सबसे लोएस्ट कौन सी आई है? 4.95 से 5.20 के बीच में, यानी कि सारी ऑफर्स जो है ना वो होवर कर रही है। ठीक है रीना जी, आपने देखा कि भाई साहब से बात हुई है तो गाड़ियों की, उसके बारे में हैरान। गाड़ी थी 2010 मॉडल और 4.95 से लेकर 5.20 तक इनको ऑफर आई है, सबसे हाईएस्ट ऑफर इनको 5.20 की आई है और इनकी जो डिमांड थी वो 5.50 या 5.75 थी गालिबन। तो ये हमारी पहली गाड़ी का विजिट था, अब दूसरी क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, गाड़ी कौन सी मॉडल है आपकी? 10 मॉडल। क्या डिमांड कर रहे हैं? 14। XLi है, जी लाइए XLi, 12 का सामान है इसमें। तो कितने तक देने कह रहे थे आप? ये देख लें, ये एक XLi की गाड़ी थी 10 मॉडल और जो है ना वो 12 डिमांड कर रहे थे और 12.5 जो है ना उनकी प्राइस है। तो ये ऑलमोस्ट आपको इस व्लॉग से थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि किराए की मुख्तलिफ गाड़ियों की प्राइसेस कितनी हैं और लोग कितना डिमांड करते हैं और उनको फिर ऑफ़र कितने की आती है। और क्योंकि अब मार्केट में जाते हैं तो लोग मुख्तलिफ ऑफर्स आपके सामने आती हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई कर रहा होता है और कोई लो कर रहा होता है। तो इस व्लॉग का मकसद आपको जो है ना बताने का ये था कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि गाड़ियों की प्राइसेस आजकल कितनी जो है ना वो हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियों की प्राइसेस कितनी हैं और कितनी ऑफर इनको आती हैं और कितनी डील होती हैं। तो चलते हैं एक दूसरी गाड़ी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भजन, गाड़ी कौन सी मॉडल है आपकी? 2006 मॉडल। क्या डिमांड कर रहे हैं? 13.5। ये तो मैनुअल है, ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है। तो ये जो है ना क्या कंडीशन है यार? बॉडी की क्या है, मतलब छत जेन्युइन है और पिलर तो ये होते हैं ना जी? जी ये पिलर है, ये सारे कोई शौक है। बस हम चलते थोड़ा सा एक वी लोग बनाते हैं नाजिन को, हमने दिखाना है कि प्राइसेस क्या है गाड़ियों की ना। तो ये नाजिन रीबोर्न गाड़ी है, 2000 क्या है, 6 मॉडल है? 6 मॉडल। चले पीछे से हमें कॉन्स्टेबल थोड़े तंग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हाईएस्ट ऑफर कितनी आई है अभी? अगर आपको अभी मुझे आई है 12 की ऑफर है। और आपका इरादा कितने तक है देने का? 13.5 तक ये आपका इरादा फाइनल है? ठीक है चले, बड़ी मेहरबानी। ये आपने देखा रीबोर्न गाड़ी 2006 मॉडल और ऑटोमेटिक थी और ये मेरे ख्याल में कराची की नंबर है
और ये 13.5 इनका जो है ना वो इनकी डिमांड है और 13.5 की इनको उन्होंने बेचनी है और इनको 12 की ऑफर आ रही है। तो ये आपको एक और गाड़ी का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो चलें नेक्स्ट गाड़ी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, गाड़ी कौन सी मॉडल है आपकी? क्या डिमांड कर रहे हैं? 10.25 10.25 डिमांड कर रहे हैं। 4 मॉडल है एक चलाए। तो ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका होगा कि गाड़ियों की प्राइसेस आजकल कितनी है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है गाड़ियों की डिमांड के हवाले से और फिर लोगों को ऑफरें कितनी आ रही हैं। ये सारा कुछ है ना आपको इस व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी कर ली। चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर देना, हमें आगाह कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलें नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कल्टस कौन सा मॉडल है आपका? 7 मॉडल है। तो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं? 6,30,000 रुपये। और सर कंडीशन क्या है इसकी? चलें जी, ये वार्डन आ गए हैं और उन्होंने पहुँचने का इरादा कर दिया। तो 6,30,000 इनकी डिमांड और 2007 मॉडल थी। मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन चलें जो भी है आपके सामने ही है। मकसद आपको बताना था कि ये गाड़ी की प्राइसेस चल रही है सर लाहौर में। तो अब हम आगे जाएंगे, मज़ीद मुख्तलिफ़ गाड़ियों को देखेंगे जो भी हमें हमारे सामने आती हैं। तो चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गाड़ी आपकी है? किसकी है? अच्छा, ये सेल के लेने चले, थोड़ा सा एक छोटा सा एक इंटरव्यू हो जाए सर। कब आप? नहीं आप, ये आपकी अपनी है? अच्छा, अंकल की। ये वैसे कितने कब से आपके पास है? आप लोगों के पास 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। तो कितने की ली थी उन्होंने? तब तो दी थी तकरीबन 7 की। अब उनका रेट लगा हुआ 11 का। 11 का उनको ऑफर आ रही है या नहीं है? महंगी भी तो हो गई है ना। हाँ, काफ़ी महंगी हो गई। और सर्दियों में वैसे भी थोड़ा सा ना रेट हाई हो जाता है ना। हाँ, तो ये मॉडल कौन से? ये मेरे ख्याल में 4 या 5 होगी मॉडल। 4-5 मॉडल होगी, ये XI है। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि 7 की इन्होंने खरीदी थी आज से 3 साल पहले। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, तकरीबन 7 की ये मिलती रही है गाड़ी। 2004 मॉडल सिविक, 4 या 5 मॉडल, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके हवाले से, प्राइसेस के हवाले से। तो ये भाई साहब ने मेरे को अपडेट किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें, ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है फॉर सेल का। तो और ये काफ़ी रश है और इसकी रीज़न ये है कि संडे को यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गाड़ियों का एक इसके सेलर्स आते हैं अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए। तो इसमें ऑलमोस्ट 70-80% जो है ना वो सेलर्स हैं गाड़ियों को सेल करने के लिए आए हैं। तो होप को आप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि हम किसी की दिलाजारी करें या गाड़ियों की प्राइसेस को अप्स एंड डाउन्स करें, नहीं। इसका मतलब सिर्फ आपको मार्केट की अपडेट देनी थी, मार्केट में गाड़ियों का क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों की जो है ना वो क्या कहती है, जहन उनके क्या कहता है और ट्रेंडिंग क्या है, प्राइसेस ट्रेंड क्या चल रही है। इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा गाड़ियों की अप हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। डील होती है नहीं होती ये बात की बात है। ये इनफैक्ट मोस्ट पीपल वुड नॉट लाइक यू फैमिलियर विद दिस। तो ये है कि गाड़ियों के लिए लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक तो ब्रांड रेपुटेशन है, दूसरी आपको बताते चलूँ कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है, गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ जाती है, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो गर्मियों में ये ट्रेंड थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से थोड़ी प्राइसेस भी डाउन हो जाती हैं। तो ये होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।